दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा से बने हुए कोणों के बीच संबंध स्थापित करना सीखेंगे। इसके लिए हमें तीन प्लास्टिक की पट्टियां और दो संपूर्ण सादा फ्लाई और दो फ्लाई स्क्रू और पेच चाहिए। हमने एक इस हमने किस तरह इसको सेट कर लिया है और इसमें दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा उसे काट है। अब इससे कितने कोण बन गए? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। हाँ, आठ कोण बने। तो आठ कोण को हमने यहाँ लिख लिया है, अब इसे हम नापेंगे। पहला कोण कितने अंश का है? दस बीस तीस चालीस पचास साठ से दस पाँच पंद्रह अठारह एक सौ अठारह। एक सौ अठारह अंश का पहला कोण है। हाँ, दूसरा कोण नाप कितने अंश का है? दस बीस तीस चालीस पचास साठ साठ बासठ अंश। इसी तरह तीसरा चौथा पांचवा छठा नाप कर लिखो। अब हमने आठों कोण को नाप लिया है, कितने अंश अंश के हैं सारे कोण। अब इसमें जो तिर्यक रेखा के, ध्यान दें सभी बच्चे, जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में जो दो कोण होते हैं ये एकांतर कोण होते हैं। तो यानी कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कहते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कोण, ये कौन सा कोण है? तीन। कोण तीन और कोण छह, छह बराबर होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोण तीन और कोण छह बराबर है, दोनों बासठ बासठ अंश के हैं। यानी एकांतर कोण कौन कौन से हैं? कोण तीन बराबर कोण छह, एकांतर कोण आपस में बराबर है, ये अंत एकांतर कोण है। अब एक और ये है भी एकांतर कोण है ना, कौन कौन सा है? चार पाँच, चार और पाँच, कोण चार बराबर कोण पाँच। अब अगला बाह्य एकांतर कोण बताओ? एक आठ, एक और आठ, यानी कोण एक बराबर कोण आठ। और दूसरा बाह्य एकांतर कोण? कोण सात बराबर कोण एक दो, कोण सात बराबर कोण दो। तो यहाँ देखो कोण सात और कोण दो बराबर हैं। अब अगले उसमें हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो कोण है ना, जो एक बाह्य क्षेत्र में हो और एक अंतः क्षेत्र में। तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित ऐसे दो कोण जो एक अंतः क्षेत्र में हो और एक बाह्य क्षेत्र में, इन्हें संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कौन सा कोण है? कोण पाँच और कोण एक, ये संगत कोण है। कोण पांच बराबर कोण एक। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोण पांच के और एक दोनों 118 अंश के हैं, यानी दोनों बराबर हैं। इसी तरह दूसरा संगत कोण कौन कौन सा होगा? दूसरा तीन सात, तीन और सात, यानी कोण तीन और कोण सात आपस में बराबर बराबर होंगे। ठीक ना, ये एक बाह्य क्षेत्र में एक अंतः क्षेत्र में। और बताओ कौन कौन संगत कोण है? दो छह और कोण दो, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण छह और कोण दो, ये दोनों बासठ अंश के हैं। और बताओ चार और आठ, चार और आठ, कोण चार बराबर कोण आठ। अगली हमारी क्या है सिद्धांत की, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के अंतः क्षेत्र के है ना दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो देखो दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश आ रहा है। पांच कोण पांच कितने अंश का है? 118 अंश का। और कोण तीन, कोण तीन बासठ बासठ अंश। अब दोनों को प्लस करो, देखो 180 अंश आ रहा है। अब ये वाला भी कोण दोनों प्लस करके देखो 180 अंश आ रहा है। कोण छह और कोण चार, कोण छह बासठ अंश का, कोण चार 108 अंश। तो देखिए ये भी 180 अंश आया, यानी कि जितने भी इसमें दिए गए थे ये सभी
सत्य सिद्ध हुए। अब इन दोनों समांतर रेखा को हम डिस्टर्ब करके देखेंगे कि क्या तब भी एकांतर कोण और संगत कोण बराबर हो रहे हैं, इसे हम आगे करके देखेंगे।